just heard was meant to inform you that the Air Force is here. It was the sound of sonic boom caused by two Mirage aircraft flying over. 5 और 6 सितंबर के दरमियानी शब जब हर तरफ तारीकी का सन्नाटा छाया हुआ था, भारत ने अचानक पाकिस्तान के इलाकों पर हमला कर दिया। मगर इस नादान दुश्मन को यह मालूम न था कि पाकिस्तान की मुसल्ला अफवाज अपने वतन अजीज के दिफा से कभी भी गाफिल नहीं होती। हमारी अफवाज खसूसन पाक फजाइया ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया और अजम जुरत इस्तकामत और पेशा वाराना महारत से अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को नाकों चने चबवा दिए। भारतीय जारियत के खिलाफ पाक फजाइया के जाबाज फौरन हरकत में आ गए और उन्होंने दुश्मन के हमले का भरपूर जवाब दिया। इकबाल के शाहीन फजा में दुश्मन पर इस तरह झपटते कि उन्हें भागने का मौका न मिलता। पाक फजाइया का दुश्मन के साथ पहला टाकरा पठानकोट के मकाम पर हुआ, जिसमें स्क्वाड्रन लीडर आफ्ताब आलम ने भारत के ठिकानों को निभा कर दिया, जबकि स्क्वाड्रन लीडर सज्जाद हैदर की बमबारी से भारत के MiG-21 तैयारों का बेड़ा तबाह हो गया। स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफीकी ने भारतीय इलाकों में जाकर उनके ठिकानों को निशाना बनाया। शबीर एच सैयद ने कलाई कंडा के मकाम पर दुश्मन के ठिकानों पर बमबारी की। MM आलम ने एक मिनट से भी कम वक्त में दुश्मन के 5 लड़ाका तैयारे गिराकर एक आलमी रिकॉर्ड बनाया। विंग कमांडर अनवर शमीम ने अमृतसर में भारत के रडार सिस्टम को नाकारा बना दिया। स्क्वाड्रन लीडर अलाउद्दीन ने गड्डा सिंह के मुकाम पर दुश्मन को टफ टाइम दिया। इसी तरह पाक फजाइया के कई जाबाजों ने वतन अजीज का दिफा करते हुए जामे शहादत नोश किया। अगर तजिया किया जाए कैसम की जंग का, तो पाक फजाइया ने 7 सितंबर को जब उन्होंने सरगोधा अटैक किया था उनकी एयरफोर्स ने, तो उस दिन ही जीत ली थी, क्योंकि हमने उनके इतने जहाज गिरा लिए और उसके अलावा जो है हमारे इतना अच्छा कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन था कि उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने तकरीबन गिव अप कर दिया और इतना हम डोमिनेट कर रहे थे कि इंडियन एयरफोर्स की हिम्मत नहीं हुई कि चैलेंज कर सके। 1965 की जंग को 44 बरस बीत गए, मगर कौम के इन काबिले फख्र सपूतों के शानदार कारनामे और पेशा वराना महारत के अनमिट नकूश आज भी पाक फजाइया और पाकिस्तान की अस्करी तारीख का सुनहरा बाब है। 1965 की जंग के दौरान पाक फजाइया ने बेहतर हिकमत अमली से न सिर्फ दुश्मन की फौज को पसपा किया, बल्कि जुरत बहादुरी और पेशा वराना महारत के गैर मामूली कारनामे भी सर अंजाम दिए। इकबाल के ये शाहीन आज भी पाक फजाइया की शानदार रिवायात को बरकरार रखे हुए हैं। मोहम्मद शकील मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, PF बेस, लाहौर।